So we are given two triangles ABC and DEF, which are similar, and we are to prove that if the areas of these two similar triangles are equal, then the triangles will be congruent. Triangles will be congruent means we are to prove that sides are equal. Angles are equal honge, similar maybe. So angles pe humne stress nahi dena. We are to simply prove that the sides of the triangles are equal. So if triangle ABC is proportional to triangle is similar to triangle DEF, then A, angle A किसके इक्वल है D के, B किसके इक्वल है E के, C किसके इक्वल है F के, and second condition sides are proportional. AB upon DE is equal to ठीक है clear. अब हमें क्या given है कि area of the triangles similar triangles are equal. और हमने थ्योरम की थी कि एरिया ऑफ अगर हमें गिवन है सिमिलर ट्राइंगल तो उसकी रेशियो किसके इक्वल होती है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल. तो यहां से कोई भी पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो, ए बी और डी ई ले लिया मान लो मैंने, तो इनके स्क्वायर्स के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल्स मुझे सिमिलर गिवन है. अब नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वही इसकी भी वैल्यू है. तो इक्वल थिंग्स की जब आप रेशियो लेते हो तो दैट इज इक्वल टू वन, यानी कि ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. हमें गिवन था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ. तो इस कंसेप्ट को हमने यहाँ यूज किया, ये कैंसल आउट होके आपका वन हो गया. क्या रह गया हमारे पास, वन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर. अब डी ई स्क्वायर को आप इधर ले आओगे क्या आ जाएगा, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड डी ई इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि साइड की जो लेंथ है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी हैव टेकन द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली. बेटे ये हमने थ्योरम यूज की, हमने सैटरडे थ्योरम की थी कि इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, similar triangles is given, so that is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. So ye theorem use ki corresponding sides ke squares ki equate kar diya humne ratio of the areas ko, areas equal given the, left hand side 1 ho gayi, 1 ke sath isko multiply kiya to DE square is equal to AB square, taking square root on both sides DE is equal to AB, yani ki yahan pe humne show kar diya side DE kiske equal hai AB ke. सिमिलरली बी सी किसके इक्वल आएगी ई एफ के, जब हम ये वाला रेशियो लेके चलेंगे करके नहीं दिखाते होते ये, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई. सिंस द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑलरेडी हमें इक्वल गिवन थे, देयरफॉर द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये चीज हमने प्रूव करनी. हाँ जी, एरियाज इक्वल गिवन थे. अगर मैं फोर अपॉन फोर लिखती हूँ तो कैंसिल आउट क्या होता है, वन आते हैं, सेम चीज यहाँ. गॉट इट? तो दिस रिजल्ट आल्सो आपको याद रखना है कि अगर एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल है तो इट मींस द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. देन सिक्स का भी डायरेक्ट रिजल्ट है, अगर रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हमें गिवन है, देन द रेशियो ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियन जोन्स. अगर एक ट्राइंगल मुझे ए बी सी गिवन है, दूसरी पी क्यू आर गिवन है, ए डी इसका अगर या ए एम मीडियन है अगर इसका, और इधर सुहानी म्यूट योर सेल्फ बेटे, और इधर मुझे ट्राइंगल गिवन है पी क्यू आर, और यहां से मीडियन है मेरे पास पी एन, देन क्या लेके चलेंगे हम, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियंस आल्सो. साइड्स वाली थ्योरम हमने की हुई है, वो मीडियंस के स्क्वायर्स के भी इक्वल होगा. तो ये भी रिजल्ट आप डायरेक्ट मतलब लर्न कर लेंगे, प्रूफ वी आर नॉट गोइंग टू डू. अब सेम वे में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट ऑल्सो क्योंकि ये एमसीक्यू पे बेस ही आने हैं आपके, तो वी आर जस्ट गोइंग टू द रिजल्ट. अब हमें गिवन है नेक्स्ट वाले में प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल
डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द, हमें अब स्क्वायर गिवन है। आयुष आप लोग ना मुझे कंपेल करते हो कि मैं आपसे ऑप्शन ले लूं कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर पाओ। नाउ स्क्वायर गिवन है, करवा देती हूँ, वो भी करवा देती हूँ। यस दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, फिफ्थ अभी इसके बाद लेते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, ये हमें स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की एक साइड पे ये मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ली, लेट दिस पॉइंट बी ई, यानी कि ए ई इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी ई। अगेन ये रिजल्ट हमने लर्न करना है, वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस, वी आर टू प्रूव दैट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगनल्स। अब ये डायगनल है, ठीक है, डायगनल को लेके हमने एक और अगेन इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई, तो ये वाला एरिया जो है दैट विल बी डबल ऑफ दिस एरिया। तो ये रिजल्ट आपने करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, वेयर ए बी क्या है, दैट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, दिस इज हाफ ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ, यहाँ ले लो डी बी एम ले लो, दिस इज ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, या यहाँ हाफ ले लेना डी बी एम। डायगनल पे जो आपने डायगनल को साइड लेके जो आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, इसका एरिया हमेशा इस एरिया के डबल होगा। गॉट इट, साइड पे जो आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाई है स्क्वायर के, और जो आपने स्क्वायर के डायगनल पे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाई है, अगर उनके एरियाज को हम कंपेयर करें तो डायगनल वाला जो एरिया होगा दैट विल ऑलवेज बी डबल ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच हैव बीन मेड ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई विल बी ट्वाइस, इसका अगर हम ले तो दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी बी एम। डायगनल वाली ट्राइंगल आपकी बड़ी बनेगी क्योंकि डायगनल की लेंथ बड़ी होती है साइड से, तो डायगनल वाला एरिया भी उस ट्राइंगल का बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा वो उसका डबल होगा। गॉट इट, ये कैसे इसको वैसे समझ लो, ये आपके पास है तो ये ट्राइंगल जब आप लोगे, लेट अस सपोज कि साइड ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर। अब जब आप इसका डायगनल ले लोगे, डायगनल क्या आता है रूट टू ए, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा इस वाले ट्राइंगल का, रूट थ्री बाय फोर रूट टू ए का स्क्वायर, सो दैट विल बी रूट थ्री बाय फोर टू ए का स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो गया, इनकी रेशियो क्या आ गई, 1:2, तो ये नीचे बड़ी वाली ट्राइंगल थी आपकी, तो दिस इज डबल ऑफ दिस, ठीक है, बट प्रूफ हमने नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बीच में देखिए, ये मेथड्स कंसेप्ट समझ आ गया क्या है, हाँ जी बस रिजल्ट समझना है, अच्छा वो मैं सेंड करती हूँ। MCQs, इसमें आ सकता है इज डबल इज ट्रिपल इज फोर टाइम्स इज थ्री टाइम्स, किसी भी तरीके से आ सकता है, तो आपको डबल वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, DEF आर रिस्पेक्टिवली द एरियाज ऑफ द DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल DEF एंड ABC। मुझे एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और इनके मिड पॉइंट गिवन है डी ई एंड एफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब पिछले वाले कंसेप्ट को यूज करके आप मुझे ये आई होप की बता सकते हैं, वी आर टू फाइंड द रेशियो ऑफ ट्राइंगल डी बी सी डी ई एफ एंड ए बी सी। 9th में की हुई है ना ऐसी थ्योरम, ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, सारे पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं ट्राइंगल। अब हम किसके एरियाज को कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले ट्राइंगल DEF और ABC,
सो क्या आएगी रेशियो? पहले क्या गिवन है बुक में जरा देखो, DEF गिवन है, तो 1:4 विल बी योर आंसर. ये 1 पार्ट है ना आउट ऑफ 4, 1 ये बड़े वाला 1 ट्रायंगल आपने 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया. तो जब आप इनके रेशियोज को कंपेयर करोगे, ये पूरा 1 है और ये 1/4 है, तो रेशियो क्या आया? 1/4:1. ये उधर गया मेहुल जी, क्लियर? अमृत को कुछ पूछ रहे थे ना आप, ये समझ आ गया? अगेन वी आर नॉट डूइंग द प्रूफ, गॉट इट? अब नेक्स्ट हमारा है पाइथागोरस थ्योरम. क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? इसका जो हम प्रूफ कर रहे हैं उसके लिए हम ट्राइंगल राइट इस तरीके से ले रहे हैं. दिस इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट सी. हमें जो है थ्योरम पता है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स. अब यहाँ पे विच वन इज योर हाइपो? प्रूफ के लिए इस ट्राइंगल ऐसे बनाए, इजी रहेगा आपको. राइट एंगल्ड एट बी, कर लोगे खुद? सिंपल से है. क्वेश्चन 8 and 9 यू विल ट्राई योरसेल्फ ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइज. एरियाज का रेशियो ही निकालना है आप लोगों को, तो दैट यू कैन डू यूजिंग द थ्योरम. राघव, स्टेटमेंट क्या है पाइथागोरस थ्योरम की? क्या कंसेप्ट यूज करते हो पाइथागोरस थ्योरम में? हाँ, अब इसमें दिस इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, तो एच क्या है, पी क्या है और बी क्या है? ओके, वाई परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या होता है आपका? हाइपो होता है. तो आपका हाइपो आ गया यहाँ पे AC, AB पे बेस है और ये परपेंडिकुलर. तो दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ये रिजल्ट नहीं यूज कर सकते, हमने इसका प्रूफ करना है. प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, कोई भी पॉइंट आप इसको ले लो. अब हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, AM B एंड सेकेंड हमने लेके चलना है ABC. इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, कैसे करोगे? एंगल M इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री. एंगल M इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री. एंगल A कॉमन है दोनों में, तो बाय AA क्राइटेरिया AMB इज सिमिलर टू ABC. ठीक है, तो क्या रेशियो ऑफ ट्राइंगल्स आएगी, क्योंकि हमें AB स्क्वायर चाहिए. अब यहाँ पे सेकेंडली जो हम लेके चलेंगे उसे हमें BC स्क्वायर चाहिए. क्या लें? यहीं से देख लो क्या बन रहे हैं. AM upon AB इज इक्वल टू MB upon BC इज इक्वल टू AB upon AC. अब बताओ मुझे इस वाले ट्राइंगल से AB स्क्वायर चाहिए. सेम वे में अगले में मैं ये वाला और बड़े वाला ट्राइंगल लेके BC स्क्वायर निकाल लूंगी. दोनों को मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी, तो आई विल गेट द रिजल्ट. ओके, फर्स्ट और लास्ट वाले को ले लिया तो ये पार्ट हमने स्किप कर दिया. अब क्या आ गया, ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू AC. इसको इक्वेशन नंबर हमने ले लिया 1. यहां तक क्लियर है? हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. हम राइट हैंड साइड बना रहे हैं,
राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर निकालने के लिए मैंने वो ट्राइंगल्स ली जिनमें ए बी मेरा आ रहा था। एक ट्राइंगल ए एम बी ले ली, दूसरी ए बी सी ले ली, दोनों राइट ट्राइंगल्स थी हमारी और ए एंगल दोनों में कॉमन था। तो बाय ए ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल्स के आगे सिमिलर आ गए। ट्राइंगल्स सिमिलर है तो साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। साइड्स मैंने वो दो रख ली प्रोपोर्शनल जिनसे मुझे ए बी स्क्वायर मिलते। तो एक में ऊपर ए बी था, एक में नीचे ए बी था, मैंने ये दोनों रख ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे मिल गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू ए सी। अब सेकेंड वाली ट्राइंगल आप कौन कौन सी लेके चलोगे, राइट हैंड साइड वाली ले लोगे, क्या क्या आएंगी? हाँ, बी एन सी एंड अगेन ए बी सी, यही रेस कर दो। कर लो जल्दी से। हाँ जी, बी एन सी और ए बी सी में क्या आएगा? एंगल सी इक्वल टू एंगल सी है, एक तो कॉमन है 90 डिग्री है, तो बाय ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बी एन सी इज सिमिलर टू ए बी सी। साइड्स पहले मुझे ये बताओ, मैंने इनका अब ऑर्डर सही लिखा है, क्या गलती है? ठीक है चलो बताओ फिर। ए एम अपॉन ठीक है, लेट दिस बी। अब इसमें से कौन कौन सा लेके चलेंगे? लास्ट टू, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, ए सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर? बी सी स्क्वायर चाहिए था मुझे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू एम सी, दिस बी सेकेंड इक्वेशन। अब एडिंग वन एंड टू करो और आप खुद मुझे रिजल्ट बताओगे कि ये आ रहा है मैम। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आप बताओ क्यों? ए सी कॉमन लोगे, ए एम डॉट ए सी और एम सी डॉट ए सी है, ए सी दोनों में आ रहे हैं तो ए सी आपने कॉमन ले लिया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद एंड व्हाट इज ए एम प्लस एम सी, तो इसको रिप्लेस कर दिया ए सी से, तो ए सी इंटू ए सी विल गिव यू ए सी स्क्वायर। आई विल सेंड यू द प्रूफ ऑफ दिस, पहले समझ लो आप इसको। ठीक है जी, क्लियर? कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बट इसमें जो आपके MCQs आ सकते हैं वो इस फॉर्म में आ सकते हैं कि फॉर प्रूविंग दिस ट्राइंगल दिस थ्योरम विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स यू हैव यूज, इस तरीके से आ सकते हैं। तो आपको वो पता होना चाहिए, एक पेयर हमने ये यूज किया, एक ये किया, एक ये और एक ये बढ़ेगा। विच पेयर मतलब ये छोटा और ये बड़ा, देन ये छोटा और ये बड़ा, तो इसलिए प्रूफ आपको करना पड़ेगा। हाँ जी, दो ही थ्योरम्स के प्रूफ्स हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस पाइथागोरस, और दोनों इजी हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं। उसका सिर्फ रिजल्ट, कन्वर्स वाला प्रूफ जो है दैट वन इज डिलीटेड, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। एरियाज वाले तो वैसे ही डिलीटेड है, वो भी नहीं करते। ठीक है, तो दैट प्रूफ्स यू नीड नॉट डू। एरिया वाले पे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि वो एरिया वाला जो कंसेप्ट है वो कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ आप जल्दी से, 6.4 का, विच आई हैव सेड कि आप खुद करोगे। ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ए बी सी एंड बी डी ई। फिगर बनाओ जल्दी से,
हमें एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये डी मिड पॉइंट हो गया और ट्राइंगल कौन सी फॉर्म हो रही है, बी डी ई। अब बी डी ई कहाँ लेना है, ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल के बाहर, किसी साइड पे या कहाँ? ई के लिए कोई कंडीशन दी है उसने, बोलो। अच्छा ये ले लिया, सच दैट, क्या कंडीशन गिवन है, सच दैट ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये और ये। अब डी जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी कि बी डी इज हाफ ऑफ बी सी, तो ये भी हाफ ऑफ बी सी आ गई और ये भी हाफ ऑफ बी सी आ गई। अब क्या कंपेयर करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स। तो ऑप्शंस आर 2:1, 1:2, 4:1 और 1:4। रेशियो ऑफ ए बी सी इज टू बी डी ई, साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, दोनों के साइड्स का रेशियो, ये वाला 1 है, ये हाफ आ रही है साइड छोटे वाले ट्राइंगल की, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। बड़ी वाली ट्राइंगल पहले है उसमें कि छोटी वाली, तो फिर रेशियो क्या आएगी, 1:4 की 4:1, 4:1 विल बी योर आंसर, कि वो जो बड़े वाला ट्राइंगल है वो 4 पार्ट्स है छोटे वाले ट्राइंगल के एरिया से, तो 4:1 इज योर आंसर। बस यहाँ ध्यान रखना है आपने रेशियो ऑफ साइड्स निकाल लेनी है, ये फुल को हमने अगर 1 लिया तो ये हाफ ऑफ 1 इज हाफ आ गया। अब साइड्स का रेशियो क्या आ गया आपका, 1/1/2, यानी कि 2/1, तो जब आप एरियाज की रेशियो निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द साइड, तो रेशियो क्या आ जाएगी, 4:1। गॉट दिस कंसेप्ट, नेक्स्ट वाला बताइए आप, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। अब साइड्स की रेशियो 4:9 गिवन है, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स, दिस कैन बी रिटन एज साइड्स की रेशियो है कि स्क्वायर्स की रेशियो, ओके साइड्स की रेशियो है तो इनका स्क्वायर कर दो, अगर एरियाज की रेशियो होती तो स्क्वायर करके आपने फिर निकाल लेना, ठीक है। सो द रेशियो ऑफ द एरियाज विल बी 16:81। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.5 नाउ, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। साइड्स ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, डिटरमिन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल, इन केस ऑफ अ राइट ट्राइंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपो, लेंथ ऑफ हाइपो विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, तो पहले चेक करो कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। हार्दिक फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, हार्दिक बताएगा, बताने दे उसको, मेहुल लेट हिम टेल, यू आर गिवन द साइड्स एज 3, 7, 24 and 25, इज इट फॉर्मिंग अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 7, 24 and 25, इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो दिस इज अ राइट ट्राइंगल एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपो, हाईएस्ट विल बी टेकन एज लॉन्ग, जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको हाइपो लेना है, बाकी में से किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस ले लो। अब चेक करो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7² + 24² आ रहा है या नहीं, अगर ये आ रहा है इट इज फॉर्मिंग अ राइट ट्राइंगल, अगर नहीं आ रहा तो नॉट फॉर्मिंग। अब 25² इज 7² 625 इज इक्वल टू 625 विच इज ट्रू, ये जरूर, अच्छा आप तो एमसीक्यू है तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ट्रू है, सो इट इज फॉर्मिंग अ
राइट ट्राइंगल, दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल एंड द लेंथ ऑफ द हाइपो इज 25, 3, 8 एंड 6. स्क्वायर्स बताओ जल्दी से. सो नॉट अ ट्रिपलेट. 50, 80, 100. कितना आया? एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 10,000. सो नॉट अ ट्रिपलेट. 15, 12 एंड 5. 12, 5 से आपको पता है हाइपो क्या आता है हमेशा? 13. तो 15, अच्छा 13 है, ओके. तो 13, 12 एंड 5 इज अ ट्रिपलेट. क्वेश्चन नंबर 2 ले. So, this we will do tomorrow as 2-3 minutes are left. मैं बता देती हूँ आप इसको. हाँ जी, 6 minutes हैं. आप फिर ले लो, मैं अगला करवा. Question number 2. Time है अभी. PQR is a right angled triangle. Right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square is equal to QM dot MR. Should I tell? Myra, Suhani, Karan, Karthik, Krishna. Total 10 will be there. आयुष, हर्षित, जैसिका, मंशा, शिवांश, मायरा. हाँ जी, अब हमें क्या गिवन है? PQR इज अ ट्राइंगल, स्टॉप टॉकिंग, राइट एंगल्ड एट पी. देन वी आर गिवन एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर. वी आर टू शो दैट पी एम स्क्वायर is equal to QM dot MR. इस तरह का क्वेश्चन मैंने उस दिन करवाया था आपको. PM square को हम क्या लिख सकते हैं? अब एक PM उधर ले जाओ, इधर से एक टर्म कोई भी इधर ले आओ. So what will be having? PM upon QM is equal to MR upon PM. अब ट्राइंगल बताओ कौन कौन सी बन रही है. पी एम आर और चलो अब ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने हैं. क्या करें? कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर प्रूव करने हैं. एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ओके. ये लिखी नहीं है, ये प्रूव करना है, तभी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं. वी आर, अगर हम ये प्रूव कर दें तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा रिजल्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ये कब प्रूव होगा? जब इन वाली ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करें. अब ट्राइंगल्स हमारी पी क्यू एम है और पी एम आर है. क्या क्यों कॉमन एक साइड को लेके क्या करोगे? हाँ जी, गर्ल्स कैन ऑल्सो आंसर. जसलीन सेकंड है बेटा जी. इसमें कॉमन का क्या रोल है? सिमिलैरिटी में कॉमन का क्या रोल है बताओ मुझे. हाँ जी, एक हमने ले लिया M और इधर से भी M 90 डिग्री, PMP एंड QMP ईच 90 डिग्री. हां जी, वी आर टू प्रूव द ट्राइंगल्स टू बी सिमिलर. PM परपेंडिकुलर
नाइन्थ में की हुई है थ्योरम क्या? एंगल आर और क्यू 45 कैसे? आपने ना ऐसा क्वेश्चन नाइन्थ में किया हुआ है, फोर पार्ट से जिसके प्रूव करने वाले, जिसमें आप ये शो करते थे कि ये मिड पॉइंट आ जाता है उसका। मैं तो बता ही रही हूँ, मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया। जल्दी बोलो हार्दिक जी, बताएंगे आप? याद आ गया ना, अब बताइए। हाँ, आर क्यू कहाँ है? पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा ना। हाँ जी, आप बेटे एंगल्स कैसे इक्वल लोगे सेकंड कंडीशन के लिए? सेकंड कंडीशन के लिए एंगल्स इक्वल लेने के लिए या तो पहले ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, फिर आपके कॉन्ग्रुएंसी बाय सीपीसीटी एंगल्स इक्वल आ जाएंगे ए क्राइटेरिया से। कौन सा? आर पी? नो, इट्स नॉट गिवन। नहीं, ये कंसेप्ट आपको लेना पड़ेगा कि अगर आप परपेंडिकुलर से, जो परपेंडिकुलर वाला वर्टेक्स है वहां से हाइपो पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो दिस डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट। फिर आप एमपी दोनों में कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये इक्वल है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल्स इक्वल हो गए। व्हाट इट, वी विल डिस्कस दिस टुमारो अगेन।